जय हिंद सभी को। हमारे एसएससी कांस्टेबल जीडी के जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबके लिए आज हम कुछ विशेष बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, इसके ऊपर हम वीडियो बनाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर हमको लगा कि शायद आप लोग कुछ गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, जहाँ तक हो सके हम सुधार करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए, हम इस वीडियो में यही बात करेंगे कि हम लोग का सिलेक्शन जो हुआ था 2017 वाले बैच में, जिसका वैकेंसी 2015 में निकला था, आपको याद होगा, तो हम लोग का तैयारी कैसे था पहले ये बात करेंगे। उसके बाद अभी आप लोग के पास मात्र 90 दिन का समय बचा हुआ है, याद रखिएगा, सिर्फ 90 दिन का। कुछ उखाड़ सकते हैं तो उखाड़ लीजिए, नहीं तो फिर देश का आर्थिक स्थिति अभी आप देख रहे हैं, एसएससी जीडी 2018 वालों को आप देख रहे हैं, स्थिति खराब हो जाएगा, कोई काम नहीं देगा। उसके बाद कुछ जिसको हम रामबाण उपाय भी बोल सकते हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 को क्लियर करने का रामबाण उपाय, वो भी आपके साथ अभी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को सुने देखें नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेडिकल के समय में आपके आँख में 6x9 और 6x12 वाला प्रॉब्लम आए, इसलिए ऐसे हमको समय नहीं मिलता वीडियो एडिटिंग करने का, तो हम चलते फिरते, जब भी आप देखते होंगे हम चलते फिरते ही वीडियो बनाते हैं। और इधर का मौसम भी ठीक नहीं रहता है, अभी भी बादल गरज रहा है। कुछ कुछ आपको हम अपने कम्युनिटी के माध्यम से और ऐसे भी अपना कुछ कुछ वीडियो डाल के आपको दिखाएंगे, जम्मू कश्मीर सबका सीन भी आपको दिखाएंगे कि, और कुछ पुराना याद भी ताज़ा करेंगे आपके साथ। तो जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अगर कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिले तो आप वहाँ से लाभ ले सकते हैं, समझे। कोई मेरा फोर्स और कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप चैनल से जुड़िए, कुछ नहीं है, इच्छा हो तो कीजिए, नहीं तो ऐसा थोड़ा ना कि हम कोई एकेडमी खोल के बैठ जाएंगे और आप लोग मेरा वीडियो देखेगा कि मेरा बच्चा कैसे बाल कटवा रहा है, कैसे ट्रक के ऊपर नाच रहा है, यही करने में तो लड़का गया आज। सबसे बड़ा गलती आप लोग का बता देते हैं, आप लोग यूट्यूब पर फालतू जो भी वीडियो देखते हैं, किसी प्रकार का वीडियो, आप एसएससी जीडी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जानिए, हल्का फल्का चीज़ जानिए जो भी आपके लिए जरूरी है। आप घुस के क्या देखते हैं, वहाँ डांस कैसे कर रहा है स्टूडेंट, एकेडमी कोई खोल के बैठ गया है तो कोई, ये सब आपको दिमाग, आपका दिमाग जो है डाइवर्ट कर देगा। आपको बता दें, आपके पास मात्र 90 दिन का समय है, ठीक है, और इस 90 दिन का समय को अगर आप अच्छे तरह से यूटिलाइज़ कर लिए अपने लाइफ में, तो याद रखिए जीवन में मौज मस्ती ही होगा और कोई टेंशन नहीं होगा। और अगर यही 90 दिन अब ये पहले मौज मस्ती कर लीजिएगा, तो फिर जीवन भर 8-10 हज़ार रुपया का नौकरी करना पड़ेगा, कोई वैल्यू नहीं देगा, नहीं समाज, नहीं घर परिवार। आप बोलिएगा ना, एक गिलास पानी लाओ अपने छोटे भाई बहन को, तो बोलेगा कि तुम ही ले लो उठ के, और एक गिलास मेरे लिए भी ले आना। तो ये हालत हो जाता है, हम इसलिए पहले बता रहे हैं कि फालतू इधर उधर माइंड डाइवर्ट ना करें, थोड़ा सा पढ़ लीजिए। और हालांकि एक छोटा सा ग्रुप भी हम आप लोग के लिए बनाए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ऑल इंडिया एसएससी जीडी ग्रुप का, अभी इसमें कुछ शुरू नहीं किए हैं, करेंगे, समय मिलेगा तो ही शुरू कर पाएंगे। समय का बड़ा अभाव है मेरे पास, एसएससी जीडी 2018 के विद्यार्थियों का सपोर्ट बहुत किए, कर ही रहे हैं अभी तक, ठीक है, लेकिन आप लोग को लेकर के हम यही बोलना चाहते हैं कि जिस प्रकार से वो भी डंडे खा रहे हैं, दिल्ली में जाकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एक दो नंबर से सिलेक्शन उनका नहीं हुआ, उस प्रकार से आपके साथ नहीं हो, और आप किसी गलत टीचर या किसी गलत यूट्यूबर के संगत में ना पड़ें, समझे। ये सब बात हो गया उधर का। देखिए, ये वीडियो हम उसी प्रकार से बना रहे हैं, सिर्फ बातचीत करने के लिए, जिसको सुनने का मन होगा सुनिएगा, कोई विशेष फोर्स दबाव नहीं है कि सुनना ही है। अब सुनिए, हम लोग के समय में क्या घटना था, हम लोग अपने बारे में बताते हैं। हम लोग का एग्ज़ाम ऑफलाइन हुआ था, ठीक है, उस समय पहले फिजिकल हुआ था, हम लोग का 5 किलोमीटर रनिंग था, पहले फिजिकल ही था, उसके बाद पहले एग्ज़ाम वाला घटना हुआ आप लोग का 2018 वाला वैकेंसी में पिछले बार, और हम धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि टोटल ऑल स्टेट का कटअप भी क्लियर करते जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड कंपटीशन में भी बताते जा रहे हैं आपको। देखिए, अभी भी इधर बहुत अधिक मात्रा में हवा है, हवा का रफ्तार इधर हरदम में बहुत रहता है, ठीक है, फिर भी हम जैसे होता है वीडियो बनाते हैं आप लोग के लिए। और यही समझिए कि आप लोग का जो भी फर्स्ट प्रिफ्रेंस है, जो भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हैं, कमेंट में लिखिएगा और प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, शायद आप लोग के स्टेट का एनालिसिस हम कर दिए होंगे, और नहीं किए थे 2 दिन वेट कीजिए, आ जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है, अभी फॉर्म आप लोग का भरा ही रहा है, उसके बाद भी लंबा समय है, लेकिन तैयारी करने का सिर्फ 90 दिन समय है, याद रखिए। हाँ, तो अपने बारे में बता रहे थे कि हम लोग के समय में पहले फिजिकल था, उसके बाद फिर एग्ज़ाम था, फिर मेडिकल था, मेडिकल में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, याद रखिएगा। और
यही सब प्रक्रिया था। तो ऐसा आप नहीं समझ सकते हैं कि कंपटीशन हाई लो, ऐसा नहीं है। हम लोग का भी नंबर जो है अच्छा था, 80+ नंबर था उस समय भी, तो और फर्स्ट प्रेफरेंस BSF ही था, तो BSF ही मिला। तो कहने का मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस अगर लेना है तो तैयारी करना होगा अच्छे से। अच्छे से मतलब ये सोच के तैयारी करना होगा कि आपको दूर तक देख करके तैयारी करना होगा। अगर आपका नौकरी लगेगा तो आपके ऊपर कौन कौन डिपेंड होंगे, आपके माता पिता, भाई बहन, आपका परिवार का स्थिति को अगर कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ आप ही हैं, ये समझिए। कोई बाहरी आके आपके परिवार का स्थिति नहीं सुधारेगा। और अगर आप अभी इसके बारे में नहीं सोचते हैं तो याद रखिए, जीवन भर आपको आपके समाज वाला गाली देगा, आपका आस पड़ोस वाला लोग नीचे गिरा हुआ नज़र से देखेगा। और यही अगर आप फौज का वर्दी पहन लेंगे एक बार तो मजाल नहीं कि कोई आपको कुछ बोल सके। ऐसा नहीं कि आप फौज का वर्दी पहन लिए तो आप उसको गोली ही मार देंगे, लेकिन हमारा समाज, सामाजिक एक मानसिकता ऐसा होता है कि वो आपसे कभी टकराएगा ही नहीं, वो अपने आप में रह जाएगा, वो आपसे कभी विवाद ही नहीं करेगा। और सबसे बड़ा बात कि आप अपने माता पिता को देखिएगा कि गर्व से जी रहे हैं, सीना चौड़ा करके जी रहे हैं, सर उठा करके जी रहे हैं, और इससे बड़ी खुशी आपके जीवन में क्या हो सकता है, समझे बात को कि नहीं। तो तैयारी जो करना है, अभी लड़का गलती क्या करता है, हाँ ये भी हम लिखे थे वीडियो के आगे में कि गलती आप लोग क्या करना जिसके कारण से आप लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। सुनिए, आप लोग पूरा अभी जो है क्या बोलता है उसको, मज़े में है और आपको लगता है कि नौकरी तो हो ही जाएगा। अरे आप ये समझिए, जब अभी 50,000 स्टूडेंट भटक रहा है दिल्ली में, और पिछले बार वैकेंसी 60,210 था, इस बार तो 25,271 वैकेंसी है, और फॉर्म तो गिरेगा आप लोग का 70,00,000+, याद रखिएगा। इसके बारे में हम 1 सितंबर को आपको बताएंगे। अभी आप लोग को इतना मज़ा आ रहा है, कंपटीशन इस बार हार्ड है, माइनस मार्किंग है तो इसलिए थोड़ा सा लो हुआ है, लेकिन कम मत समझिए। थोड़ा सा अपना पैटर्न पर पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, बाकी कोई उपाय नहीं है। हम यही बोलते हैं आप लोग क्या गलती करते हैं, आप लोग अभी से ही मतलब पूरा खुश होने लगते हैं जो कि सिलेक्शन होगा तो क्या मिलेगा। इस कारण से आज हमको एक तो वीडियो भी बनाना पड़ गया कि BSF में क्या फैमिली फैसिलिटीज है, क्या जॉब प्रोफाइल है, इसके बारे में आप लोग का कमेंट को देखते हुए, नहीं तो हम ये सब चीज़ के बारे में वीडियो नहीं बनाते। जब शुरू कर दें 2-4 टू और कोर्स के बारे में बता ही देंगे जो कि आप लोग का मानसिक स्थिति में सुधार हो, कुछ मोटिवेशन मिले। मेरा तो एकमात्र उद्देश्य यही है कि आप लोग मोटिवेट रह करके पढ़ाई करें जिससे आप लोग का सिलेक्शन हो, समझे कि नहीं बात को। देखिए अभी आप लोग से बातचीत करते हुए भी अभी मौसम लगातार इधर का बिगड़ रहा है, तो आप चलते फिरते ही बातचीत करते रहते हैं, इसी कारण से हम वीडियो वीडियो एडिटिंग क्या बोलते हैं एडिटिंग नहीं कर पाते हैं उतना। देखिए फिर आपको बता देते हैं कि आप गलत चक्कर में ना फंसिए, गलत चीज़ का भी संगत छोड़ दीजिए। थोड़ा सा यह सोच लीजिए कि आपको नौकरी चाकरी लेना है, घर परिवार का स्थिति सुधारना है, तो पढ़ लीजिए सच्चे मन से, ठीक है। नहीं तो फोन उनके चक्कर में रहिएगा अभी से तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, लास्ट में जो है आपके जी आपके पिताजी ये कह के छोड़ देंगे कि मतलब लड़का कुछ नहीं करता था, लेकिन उसका बाप तो ये नहीं समझा कि लड़का किसके कारण कुछ नहीं कर पाया। दोनों चीज़ चले जाएगा आपके जीवन से, इसलिए अभी से सुधर जाइए, थोड़ा सा जो है जागरूक होकर के पढ़ लीजिए, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा जीवन। आप लोग गलती सबसे बड़ा यही करते हैं कि अगर एक बार आप लोग मोबाइल खोले, किसी भी सोशल मीडिया वाला साइट में घुसे तो 10 मिनट सोचते हैं कि मोबाइल देखेंगे, 10 मिनट के बाद नहीं देखेंगे, थोड़ा सा पढ़ लेंगे, लेकिन आप देखते हैं कि वही 10 मिनट जो है 1.5 घंटा में बदल जाता है। तो ऐसा गलती करिए मत, सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूर रहिए, दूरी बना कर रखिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा। अभी स्टूडेंट का सबसे बड़ा गलती यही है, अभी सब इतना फंस गया है, हम विश्वास नहीं कीजिएगा, आज तक इंस्टाग्राम लोड नहीं किए मोबाइल पर। इंस्टाग्राम नाम का एक होता है प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, फेसबुक की तरह, हमारे इधर लगभग मित्र यूज करते हैं, लेकिन हम आज तक नहीं किए, हम नहीं करना चाहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप आज तक नहीं बनाए, फेसबुक आईडी है, बहुत पुराना है फेसबुक आईडी, उसी समय हम लोग बनाए थे छोटा वाला मोबाइल, वही है कभी कभी खोलते हैं। जितना दूर रहिएगा इस सबसे उतना आपका लाइफ में सुधार होगा, उतना अच्छा होगा। जीवन में गरीबी सबका रहता है बॉस, SSC GD का जो तैयारी करता है सब गरीब ही रहता है, लेकिन आपके हाथ में है कि आप मेहनत करके अपना गरीबी को अच्छा कैसे कर सकते हैं, अमीरी में कैसे बदल सकते हैं। अमीरी नहीं, इसको आर्थिक स्थिति में सुधार बोलिए,
फिर समय मिलेगा तो हम बात करेंगे। अभी इधर का मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, ठीक है,